फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी बारा डोमिनेटर पर। आज की गुड मॉर्निंग एक बार फिर से उत्तरकाशी से, क्योंकि रात में हम गंगोत्री से वापस जब आ रहे थे तो लेट हो चुके थे और हमने फिर से वही होटल लिया जिसमें हम परसों रुके थे। सो अभी यहाँ से यमुनोत्री निकलने की तैयारी है और यहाँ से लगभग यमुनोत्री अभी 150 किलोमीटर है, तो अभी सब रेडी है और मेरे सामने ही मेरे यार दोस्त बैठे हैं जिनसे मैं आपसे मिलाता हूँ। सो इधर सब लोग तैयार हो चुके हैं और अपना अपना सामान पैक करने में लगे हुए हैं, तो अभी 10 मिनट में यहाँ से निकलते हैं, अपनी बाइकों का वार्म अप करते हैं और यमुनोत्री के लिए निकलते हैं। तो अभी होटल से चेकआउट किया है, सभी बाइक्स रेडी है चलने के लिए। पहले कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। पहले बाइक्स में कुछ काम भी कराना है, थोड़ा थोड़ा चैन की ग्रीसिंग वगैरह, चैल ग्रिलिंग वगैरह ये सब करानी है अभी। उसके बाद में थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे चले आगे निकलेंगे। चैन स्प्रे होगी भैया, चैन स्प्रे दे देना एक। तो अभी का सीन कुछ ऐसा था, चैन स्प्रे कल दोपहर में ही हमारी ख़त्म हो गई थी, तो चैन में काफ़ी आवाज़ आ रही थी जिसकी वजह से अच्छा फील नहीं कर रहा था बाइक हमारा। तो अभी हमने फ़िलहाल लिया है चैन स्प्रे और अब करेंगे चैन पर स्प्रे। जो सीन था वो ये था कि अभी मैंने बाइक में अपने पेट्रोल लाया और जो हमने चैन लुब्रिकेंट लिया था उसको भी अपनी चैन पर अप्लाई किया है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से धरासू के लिए और धरासू से हम जाएंगे यमुनोत्री। अभी टाइम हुआ है लगभग सुबह के 11 और धूप अभी से इतनी तेज़ हो चुकी है कि अगर आप बाइक रोकते हो ना तो आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तक बाइक चलती है तो ये बर्दाश्त होती है, लेकिन अगर आप बाइक रोकते हो तो ये बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। टेम्परेचर पहाड़ों में भी इतना हाई है तो प्लेन की क्या हालत होगी। लेकिन जैसे जैसे हम यमुनोत्री की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी लो होगा। तो अभी हम पहुँचे हैं धरासू और यहाँ से हमारे लिए दो रास्ते हैं, एक ऋषिकेश और हरिद्वार जाने के लिए और हमारे राइट में यमुनोत्री जाने के लिए। तो फिलहाल हम यमुनोत्री के लिए निकलेंगे और इधर में अभी फिलहाल गन्ने का रस किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा रिफ्रेशमेंट करते हैं। तो अभी अभी फिलहाल पिया है गन्ने का रस, गर्मी इतनी तेज है कि कुछ ना कुछ ठंडा पीते रहना पड़ रहा है। यहाँ से यमुनोत्री लगभग 109 किलोमीटर है और अभी मैंने यही लोकल से पूछा है कि वहाँ के लिए सड़क भी ठीक है और वहाँ पे क्या है कि होटल आपको मंदिर से लगभग 4 या 5 किलोमीटर पहले ही लेने पड़ेंगे और बाकी यात्रा आपको पैदल करनी पड़ेगी। तो टाइम हुआ है लगभग 1 बजे का और अभी हम बड़कोट से लगभग 27 किलोमीटर दूर है और ये रास्ता आप देखोगे तो ये रास्ता सेम ऐसा ही है जैसा गंगोत्री जाते समय लगभग 5-10 किलोमीटर का वो पैच पड़ा था जिसमें आमने सामने से अगर 2 गाड़ी आ जाए तो वो आसानी से बच नहीं सकती। सो ये रास्ता भी है इसी तरह का है, यहाँ पे भी बाइक को बड़े ध्यान से चलाना पड़ रहा है। लेकिन इस रास्ते की खास बात है कि इसमें ट्रैफिक बहुत कम है और इसका जो नेचर ब्यूटी वाला एंगल है ना वो भी बहुत बढ़िया है। सो ओवरऑल
इस पर बाइक चलाते हुए मजा आ रहा है। और अभी फिलहाल अपना पड़कोट में ही आराम करने का प्लान है, थोड़ी देर वहीं रुकेंगे और थोड़ा रेस्ट लेंगे। तेरी तो भाई अपने साथ हो गया पंगा, अपना ड्रोन जो था वो क्रैश हो गया, साइड से बाहर हुआ और ये खंभे में लगा और सीधा नीचे गिरा। अच्छी बात यह कि ज़्यादा नीचे नहीं गिरा तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं है इसके, बस दो प्रोपलर टूटे हैं वो डैमेज हुए हैं। अभी पहले उन्हें चेंज कर दें फिर इसको उड़ा करके देखते हैं। तो अभी अभी 70,000 का फटका लगने से बचा, क्योंकि अभी हम यहाँ पीछे थोड़ा रुके थे तो हमने ड्रोन उड़ाने की सोची और हुआ क्या कि हमारा ड्रोन क्रैश हो गया। लेकिन अच्छा ये रहा कि ड्रोन ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, थोड़ा ऊपर ही गिरा था, तो जिसको हमने जाके उठा लिया और उसके फ्रंट के दो प्रोपलर डैमेज हुए। लेकिन प्रोपलर हमारे पास में एक्स्ट्रा पड़े हुए थे बैग में, हमने वो चेंज किए, उसको उड़ा के चेक किया तो ड्रोन ठीक है, अभी ठीक उड़ रहा है। तो यहाँ से यमुनोत्री 45 किलोमीटर है और अभी हम पहुँचे हैं बड़कोट, और यहाँ से जो रास्ता है वो हाईवे बन गया है। पहले ये रास्ता बहुत कच्चा हुआ करता था पहले मैं आया था, तो अब रास्ते की हालत बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो 45 किलोमीटर लगभग अभी हमें 1.5-2 घंटा लगने वाला है। अभी टाइम हुआ है 3:30 का। तो अभी एक बहुत अच्छी जगह दिखी है, अभी मैंने पता किया है रास्ता वहीं पे जाता है, यहाँ नीचे कोई पुल है यमुना को पार करने का, सो उस पुल तक हमें ये रास्ता लेके जाएगा। तो अभी हम यमुनोत्री जी से लगभग 30 किलोमीटर दूर हैं और ये जो सड़क अभी आई है ये दिखने में बड़ी ही खतरनाक लग रही है, क्योंकि इस सड़क पर जो पहाड़ है वो कच्ची मिट्टी का पहाड़ है, तो ये लैंडस्लाइडिंग एरिया है जो डेंजर जोन में आता है। आई थिंक आगे मौसम खराब है तो थोड़ी देर रुकते हैं और यहीं आगे का हाल पता करते हैं, लोकल समय बता सकते हैं आगे का मौसम किस तरह का है फिलहाल, तो अभी पहले रुकते हैं। तो ये सामने वाला हमारा होटल है, आज रात के लिए हम यहीं पर रुके गए और यहीं पर हमने साइड में अपनी बाइक्स पार्किंग कर दी है। कैसा है भाई? मेरा सीन कुछ ऐसा है, हमें सोना चट्टी के अंदर यहाँ से लगभग यमुनोत्री अभी 15 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन रास्ते में पूरी तरह बारिश है। हमने लोकल से बात की जो बता रहे हैं कि पूरे रास्ते में बारिश है, तो अभी हमने आपस में डिसाइड किया है कि अभी यहीं पे रुकते हैं, सुबह जल्दी निकलेंगे मंदिर में दर्शन करके आएंगे। और अभी हमने रूम फिलहाल यहाँ पे ले लिया है,
तो अभी सिर्फ यही सीन है कि इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। सुबह यहाँ से निकले, कल नई वीडियो बनेगी, कल उसमें आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।